राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जो बीजेपी उपाध्यक्ष हैं उन्होंने समाचार प्रेस से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से अपशब्द बोले जा रहे हैं उसको लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद विनय सहस्रबुद्धे जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपने राज्यसभा में नोटिस दिया है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या नोटिस है, क्या मांग की आपने? नोटिस नियम 267 के अंदर है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति बार बार अनर्गल भाषा का प्रयोग करना, वो प्रधानमंत्री है, देश के नेता है, तो देश की जनता की भावनाओं का भी अपमान है, इसके प्रति सभापति के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षण करें। तो क्या जो तमाम जो विरोधी दल के नेता है जो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे जो उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में कहा है, क्या उनके खिलाफ है, क्या किस तरह से रोक उन पे लगाई जाएगी इस पूरे मामले? देखिए, उनका तो सभा के कामकाज को चलने देने न देने के बारे में वो कुछ भूमिका बनाते हैं, हम तो केवल संवैधानिक जो उपकरण है उसका उपयोग करते हुए ध्यान आकर्षण कर सर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनय सहस्रबुद्धे जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने राज्यसभा में नोटिस दिया है। संसद भवन से कैमरा पर्सन फैजल के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।